So welcome back Maniva to another video, and in this video we are going to talk about how to fill the national visa form for study purpose when you are coming to Poland. ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो देखो गाइज, देर इज़ अ न्यू अपडेट. ठीक है, VFS की वेबसाइट पे जब आप जाओगे और डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, उसमें आता है एक बुक अपॉइंटमेंट और डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग टाइम और इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेते हैं. तो वहाँ पे एक सेक्शन है, मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ. मेन बात यह है कि अब फॉर्म डिजिटल हो गया है और VFS वेबसाइट पे अवेलेबल है. ठीक है, अब आप वहाँ पे जाओ और फॉर्म डायरेक्ट भर दो. पहले क्या होता था, लोग PDF एडिटर वगैरह के चक्कर में घूमते रहते थे, है ना. तो फॉर्म फिलअप करो ऑनलाइन, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, और उसके बाद फिर आप उस पर ई साइन कर सकते हो. ठीक है, और उसको निकाल लो और डॉक्यूमेंट PDF के फॉर्म में निकल जाएगा. जो भी है, मैं स्टेप आगे करके देखता हूँ, मेरे को भी नहीं पता. ठीक है, लेकिन हम चलो इसको दोबारा फिल करने की कोशिश करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ यू गाइस हु आर कमिंग फॉर दिस अक्टूबर इनटेक दैट इज़ कमिंग सून. सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड लेट्स शो यू हाउ द थिंग्स आर. सो व्हेन यू विल गो ऑन द VFS वेबसाइट, you have this section where you will look for study option. All right, I will give the link directly of this section in the YouTube video link. ठीक है, वहाँ से आप चले जाना. उसके बाद फिर आप ये overview visa fees वगैरह देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, बढ़ चुकी है भाई अब visa fees. तो documents required में यहाँ पे checklist आ जाती है, checklist भी ज़रूरी होती है, उसका भी PDF निकाल लेना. फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस, चलो जो भी है ये तो आप VFS में जाके वहीं पे खिंचवा लेना, मैं तो बोलूँगा. अगर आप खुद करवा सकते हो तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, तब फ़ोटो खिंचवाना. ठीक है, रिक्वायरमेंट देख लो, 3.5 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर फेस होना चाहिए. ठीक है, 80% फेस यार होना चाहिए. जो भी है पढ़ लेना इसको. ठीक है, वेरी बेसिक. प्रोसेसिंग टाइम जो भी है, 15 डेज टू 30 कैलेंडर डेज. ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आप आ जाओगे यहाँ पे. ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इस पे न्यू यूज़र पे जाना, क्रिएट करना. जब क्रिएट कर लोगे तो कुछ ऐसा पेज आएगा. ठीक है, ये देखो ऐसा पेज दिख रहा है, ये डिफरेंट हो गया ना. देखो, पर्सनल डिटेल्स डालोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल कॉस्ट डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स. उसके बाद फिर लास्ट में इसका एक PDF निकालना है आपने. तो भाई मैं पूरा फॉर्म तो नहीं भर रहा. लोकेशन क्या है, दिल्ली. ठीक है, सर्विस वीज़ा कैटेगरी नेशनल वीज़ा. ठीक है, सरनेम डालो, सरनेम एट बर्थ, प्रीवियसली यू सरनेम अगर कोई है तो डालो, नहीं तो फिर सेम रखो. ठीक है, और फिर यहाँ पे अपना बेसिक नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री बर्थ, करंट नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी. ये भाई अपने पासपोर्ट से देख के एग्जैक्ट डालना, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं. जेंडर डाल लो भाई, जो भी है. ठीक है, इसमें जिसका जैसा है भाई अपना देख लेना. माइनर है तो यस कर दे. ठीक है, आई एम स्पाउस ऑफ फैमिली मेम्बर, इसमें तो नो ही रहने दो. अगर किसी की है वाइफ या यूरोप में तो, या हस्बैंड, तो आप कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ के सिटीज़न होने चाहिए. ठीक है, नेशनल आईडी नंबर देना पड़ेगा अगर है तो. आपका तो चलो ये नहीं आएगा, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो. जिस पे भी ये रेड मार्क होता है ना, एस्ट्रिक, ये एस्ट्रिक उसको करना है, ये आप खाली छोड़ सकते हो. ठीक है, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट भाई आपका पासपोर्ट है, नॉर्मल पासपोर्ट. ठीक है, तो आई गेस ऑर्डिनरी पासपोर्ट ये लेना, ये एलियंस पासपोर्ट नहीं लेना. डॉक्यूमेंट वगैरह डालो, डेट ऑफ इशू, इशू कंट्री, इशूड बाय, वैलिड अंटिल री एंटर, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो जो भी है इसको आप शायद 1 डालोगे यहाँ पे, या फिर री एंटर मतलब नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एक बार यहाँ पे, फिर नेक्स्ट करना भाई. अभी ये नेक्स्ट जा नहीं रहा है मेरे को, देखना पड़ेगा. बट हाँ, देखो गाइस, देखो नेक्स्ट हो नहीं रहा है, एंड आई थिंक मेरी पुरानी वीडियो है, उसमें फॉर्म में क्या क्या भरना है वो मैंने PDF एडिटर से ही भरा था, और मैंने एक वीडियो बनाई है उस पर पहले से, तो वो वाली वीडियो देख लो. और फॉर्म सेम ही है भाई, डिजिटल हो या फिर पुराने वाला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वही चाहिए होती है वीज़ा देने के लिए एम्बेसी को. ठीक है, तो वो वाली वीडियो में आई बटन में कहीं यहाँ पे या यहाँ पे आ रहा होगा, उसको जाओ देखो. ठीक है, और फॉर्म अपना भर लो और उसका PDF निकाल दो.
और VFS जब आप उस पर ID क्रिएट करोगे तो आपको एक 14 डेज़ का नोटिस देगा कि आपके पास 14 डेज़ है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद ये आपकी जो ID आपने क्रिएट करी वो मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसको रिकवर करने के लिए दोबारा से आपको 14 डेज़ बाद या तो लॉग इन करो 14 डेज़ से पहले 2-3 बार, ठीक है, और 14th डे पे भी। और अगर 14 डे तक लगातार नहीं करा आपने, फॉर्म नहीं भरा, तो वो ID डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए फॉर्म पहले भर लेना। लेकिन फॉर्म भरने के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे फ़्लाइट डमी, रूट क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री कहाँ है यूरोप में। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना भरते वक्त, और फॉर्म सही टाइम पर भरना, ठीक है। नहीं तो ID दोबारा न्यू क्रिएट करके फिर भर लेना 14 डेज़ बाद, ठीक है। और आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप, आई रियली आस्क दिस, एंड या दैट्स ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Peace.